गुड मॉर्निंग बच्चों, ये देखिए कल हमने क्या पढ़ा था। नंदिनी हिंदी पाठ्यपुस्तक में चैप्टर 4 पाठ 4 जो हमने पढ़ा था, कविता थी। इसको हमने आपने बच्चों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। आप याद करके अपनी मम्मी को, पापा को या दादी को, बाबा को सुना सकते हो, ठीक है। सुनाया करो बेटा याद कर करके कविताओं को, और अपने घर में किसी ना किसी को सुनाया करो, ठीक है। इसलिए आपको और अच्छी तरीके से ये याद होगी। और आपने, कई बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी बनाई है। जो मैंने लालच का फल चैप्टर में से एक्टिविटी दी थी कि सुंदर सा चित्र बनाओ चार्ट पेपर पर और कविता लिखो, तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी सी एक्टिविटी बनाई है और मेरे पास पिक भी सेंड की है, ठीक है। मतलब जो चार्ट बनाया था उसका फोटो भी मेरे पास सेंड किया है मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो सारे ही बच्चों को ये एक्टिविटी बनानी है। चार्ट पेपर पर लालच का फल लिखेंगे हम पहले, और ऊपर सब्जेक्ट जरूर लिखना, सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। और उसके बाद सुंदर सा चित्र बनाना। जिन बच्चों ने नहीं बनाया है ये उनके लिए है, ठीक है। सुंदर सा चित्र बनाना है इस तरीके से, और कविता लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब आज हम क्या करते हैं, आज हम करेंगे अपनी नोटबुक में वर्क, ठीक है। तो नोटबुक में हमें क्या क्या वर्क करना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक्टिविटी जो हम नोटबुक में करते हैं। एक पेज में हम नोटबुक में एक्टिविटी करते हैं, तो हम डेट मेंशन करेंगे पहले 14/5/2020 थर्सडे। उसके बाद हम डालेंगे पाठ 4 लालच का फल, ठीक है, क्रियात्मक कार्य। अब इसमें आपको क्या करना है, चूहा का सुंदर चित्र बनाकर रंग भरो। एक चूहा का चित्र बनाना है और उसमें अच्छा कलर करना है, चूहे का जो कलर होता है। देखिए इसमें से कोई भी चूहा आप एक बना लेना, इन दो, ये दो बनाना, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं दे रहा ना, इसका मुंह, इन दोनों का मुंह दिखाई दे रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूहा बना सकते हो, ओके। उसके बाद हम क्या करना, हमें क्या करना है, उसके बाद अब हम करते हैं लालच का फल पाठ के कठिन शब्द, ठीक है। कठिन शब्द हम लिखेंगे, डे और डेट मेंशन कर लेना। पाठ 4 लालच का फल कठिन शब्द, ठीक है। इस तरीके से लालच का फल लगा, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पर भी। उसके बाद हम ये सारे शब्द लिखेंगे। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। मिसरी, और जब भी आप कुछ भी लिखा करो तो उसे पढ़ पढ़ बोल बोल के लिखा करो, ठीक है। क्या है, मिसरी, म्याऊं म्याऊं, सन्यासी, पुण्य, ज्ञान, स्वर, घाते, ललचाया, यों ही ज्यों ही, झट, ठीक है। फिर है भोग लगाया और भजन, ठीक है। ये आपके 12 कठिन शब्द हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अच्छा सा वर्क करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। पहले हम चूहा का सुंदर चित्र बनाकर रंग भरेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। नीट एंड क्लीन वर्क करना सारे बच्चे, ओके बच्चों, बाय।